अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक बड़े होनहार स्टूडेंट हैं और ये क्या लिखा हुआ है, हाउस डिसिप्लिन सेक्रेटरी। आपका नाम क्या है? मुश्तबा। अच्छा मुश्तबा, आप कौन सी क्लास में हो? 6B। 6B में है। तो मैं अपने एक टीचर से मिलने जा रहा था जिनका नाम अमजद साहब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बड़ी स्पेशल जगह आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो मेरे पुराने दोस्त और कुलीग्स हैं वो तो ये देख कर समझ गए होंगे कि मैं आपको पीछे जो लिखा हुआ है FG पब्लिक स्कूल फॉर बॉयज़ नंबर 2, ये स्कूल दिखाने लेकर जा रहा हूँ। ये स्कूल क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक तालीम हासिल की और मेरे बहुत सारे दोस्त और क्लास फेलोज मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि आप मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस तो बनाते रहते हैं, आप अपने स्कूल की वीडियो क्यों नहीं बनाते? दोस्तों, ये औरंगज़ेब रोड है मुल्तान एंड का, इस पर यह स्कूल कायम है। आई मैं स्कूल के अंदर आपको लेकर चलता हूँ और आपको एक पुराना स्कूल दिखाता हूँ। ये पीछे औरंगज़ेब रोड है जिस पर बस आ रही है। इस रोड की खास बात यह है कि यहाँ पर मुल्तान का एक मशहूर और बड़ा चर्च भी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये मोस्ट हॉली रिडीमर कैथीड्रल है, लेकिन इस वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अपनी मादरे इल्मी के अंदर। दोस्तों, ये वो रोड है जिस पर से कभी हम स्कूल में जाया करते थे। ये हमारे स्कूल के साथ गर्ल्स स्कूल होता था, इसको अब FG पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स नंबर 3 बना दिया गया है। ये औरंगज़ेब रोड है, यहाँ पर वो स्कूल था जिस पर हमने क्लास 1 से क्लास 10 तक तालीम हासिल की और यहीं पर एक बड़ा खूबसूरत चर्च भी है, वो हम अपनी पुरानी किसी वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सामने, ये बड़ा प्यारा चर्च है मुल्तान के चंद खूबसूरत चर्चेज में इसका शुमार होता है। इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाता हूँ, ये द मोस्ट हॉली रिडीमर कैथीड्रल है, ये आप देख रहे हैं। और इस तरफ ही हमारे स्कूल का एक गेट है और फ्रंट गेट है जहाँ से अभी हम अंदर दाखिल होंगे, ये सामने है। ये वो जगह है जहाँ हमने ज़िंदगी के 10 कीमती साल गुजारे और इस मादरे इल्मी से तालीम हासिल करने के बाद आखिर किसी काबिल हुए। ये सामने आप देख रहे हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसके पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये एक ग्रासी लॉन है, आगे कुछ बच्चों का इम्तिहान भी हो रहा है। कभी हम भी यहाँ पर बैठ कर इम्तिहान दिया करते थे। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक बड़े होनहार स्टूडेंट हैं और ये क्या लिखा हुआ है, हाउस डिसिप्लिन सेक्रेटरी। आपका नाम क्या है? मुश्तबा। अच्छा मुश्तबा, आप कौन सी क्लास में हो? 6B। 6B में है। तो मैं अपने एक टीचर से मिलने जा रहा था जिनका नाम अमजद साहब है, अभी उनसे आपकी मुलाकात भी कराता हूँ। तो उन्होंने स्पेशल इनको भेजा है, छोटे मुश्तबा को, कि मुझे लेके आए। मुश्तबा, ये सामने कौन से सेक्शन है? ये स्टाफ रूम है, क्लर्क ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस भी इधर ही है। अच्छा, और इस तरफ कौन सी क्लासेस हैं? इस तरफ 8th और 7th। इस तरफ 8th और 7th है। और ये बताओ कि ये इम्तिहान किसका चल रहा है? ये 9th और 10th की ग्रैंड टेस्ट है। तो वो पीछे तक ग्रैंड टेस्ट चल रहा है सारा, वो 5th का है। अच्छा, वो 5th का चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर झूले भी लगा दिए गए हैं, किसी दौर में यहाँ झूले नहीं हुआ करते थे। अच्छा, ये 9th 10th के बच्चे, ये इनका कोई फाइनल टेस्ट है? अच्छा ठीक है, चले आए अब हम क्लास 6 की तरफ चलते हैं। कौन सी क्लास है अमजद साहब की? 6B है। अच्छा, 7th है। आपको पता है मैं यहीं पे पढ़ा हूँ 1 से 10 तक। आज बड़े अरसे बाद यहाँ पे आया हूँ, तकरीबन 22-23 साल बाद। ऊपर चले जाते हैं हम बरामदे में। ये क्या है? ये लाइब्रेरी है। आइए आपको अमजद साहब से भी मिलाते हैं। जी दोस्तों, मेरे साथ हमारे स्कूल के बड़े हरदिल अजीज उस्ताद हैं, अमजद अली अवान साहब। अमजद साहब हमें 6ठी क्लास में पढ़ाते थे, बल्कि हम इन्होंने हमें 3री जमात में भी पढ़ाया था। और 3री जमात में हमारे कद छोटे छोटे होते थे, तो सर की एक्सेस आने के लिए हमें बेंच पर भी कभी खड़े होना पड़ता था। तो हमारे आप सब बच्चों को जी, तो बाकी हम सर से जरा गुफ्तगू करते हैं। और सर, आप ये बताएं कि आप कितना अरसा हो गया आपको इस स्कूल में? मैं अपना 90 में आया था, 7/2/90 को जी। फिर पोस्टिंग हो गई, 3 साल जूनियर और 4 साल, फिर दोबारा पोस्टिंग इधर ही होगी। अच्छा, अब माशाल्लाह 17/17 से केयर मेरे की। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक भाई, आप शागिर्दों की दुआएं हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जी, बड़ी खुशी हुई कि आप मिलने आ जाते, सारा आपको तरक्कियाँ दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे, और तमाम शागिर्दों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ दे अपने शोबे में। बस सर, आपका थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए स्कूल का, थोड़ा सा आपके साथ चक्कर लगाते हैं। ठीक। ये सर सामने, ये बैक साइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो वाली साइड है जो शेरशाह रोड की तरफ इसका रुख है। इस सामने बोहड़ का एक कदीम दरख्त आप देख रहे हैं,
यहाँ पर किसी वो दीवार भी है जहाँ से जी ये वो दीवार है जहाँ से बच्चे बाहर प्लांग छलांगे लगाया करते थे। ये कैफेटेरिया इस तरफ वॉशरूम्स हैं, ये वॉशरूम्स अभी तक मौजूद हैं। ये पीछे साइकिल स्टैंड बन गया सर। आप साइकिल अच्छा तो यहाँ पर पहले ये बच्चे खेला भी करते थे। वो ही है। अच्छा तो इस तरफ कॉर्नर पे कैफेटेरिया एक बन गया है, ये अच्छी बात है कि कैफेटेरिया। एक सर कैंटीन उधर होती थी वो है अभी बंद हो गई, अब यहाँ पे आ। अच्छा अच्छा आ जाए सर आपकी क्लास और बाकी बस देखते हैं। ये सर कौन सी क्लास का इम्तिहान हो रहा है? ये फिफ्थ का स्कॉलरशिप के बच्चों का टेस्ट। अच्छा ये फिफ्थ के स्कॉलरशिप के बच्चों का टेस्ट हो रहा है। ये सामने कैफेटेरिया भी बन गया, मैं थोड़ा सा अंदर से दिखा आता हूँ। ये कैफेटेरिया नाम स्कूल के अंदर के लॉन्स हैं, यहाँ पर कुछ झूले भी नस्ब किए गए हैं। अमजद साहब पीछे रह गए, मैं उनसे जाके उनको पकड़ता हूँ और फिर आपको मज़ीद शेयर करवाता हूँ। देखिए क्लास है और इसके अंदर जो है बच्चे बड़े मज़े से शोर मचा रहे हैं। अच्छा सर अब फीमेल टीचर्स भी दिखाई दे रही हैं। अच्छा ये यहाँ तो कह रहे क्लास फोर वगैरह नहीं होती थी, अब्दुल हलीम साहब होते थे। हलीम अब ये क्लास थ्री आ गई। अच्छा ये क्लास थ्री होगी। हाँ जी ये वॉशरूम मुझे नहीं। अच्छा इस तरह भी वॉशरूम बना दिए बैक साइड। ठीक है ये सामने सर 6 7 8 का सेक्शन है। 6 7 8 उधर पहले तो 6 इस तरफ भी होती थी, वो आप उधर चली गई सामने। इस तरफ 5 आ गई है। अच्छा अच्छा और ये जो है ये 3 का सेक्शन, 3 वाली लाइन है। ये 10th के ये वही 9 10th जो डबल स्टोरी ब्लॉक है। सही है। ये ग्राउंड की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये अपना हाशिम साहब है जी। अच्छा SSP दोस्तों ये वो ग्राउंड है जहाँ पर किसी दौर में हम फुटबॉल और बहुत सारे खेल खेला करते थे। और ये सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये गर्ल्स हाई स्कूल है उसकी दीवार है। इस तरफ बास्केटबॉल कोर्ट भी है। इधर TNT कॉलोनी। जी जी पीछे TNT कॉलोनी है। और ये थोड़ा सा मैं आपको व्यू इधर से भी करीब चल के दिखाता हूँ, ग्राउंड के अंदर भी चले जाते हैं। और ये सामने चर्च है, ये मुल्तान के चंद मशहूर और बड़े चर्चेज में से एक है। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये डबल स्टोरी ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर क्लास 9th और 10th जो है। ये सर क्लास 9 10 दोनों के लिए है, दोनों के लिए मुख्तलिफ सेक्शन है। तीन तीन सेक्शन है। अच्छा तीन तीन कमरे हैं, तीन तीन सेक्शन है। और कंप्यूटर है। जी जी तो अभी सर सुना है कोई ये क्रिकेट टीम फुटबॉल टीम भी कोई जीत के आई है? पाकिस्तान विन करके आई है। अच्छा फुटबॉल ने इस दफा पाकिस्तान विन करके आई पूरे पाकिस्तान में। अच्छा ये सर सामने क्या है? ये जो सामने ये 1 1 2 ये स्टैंड था ना पैराशूट। जी जी पहले यह स्टैंड होता था, अब ये 1 2 क्लासेस। अब यहाँ 1 2 क्लासेस बन गई हैं। अच्छा 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 सही हो गया सर, बेहतरीन। अच्छा वो सामने एक कैंटीन होती थी। हाँ वो कैंटीन है, अभी बंद है कमरा, क्योंकि वहाँ जो कैफेटेरिया, क्योंकि हमारे दौर में यही थी यहाँ पे। वो अभी बंद है, तकरीबन 2 साल हो गया वहाँ। और ये सामने स्टेज है असेंबली के लिए। असेंबली सर अब डेली मेरा ख्याल नहीं होती शायद, नहीं वो कोरोना की वजह से। अच्छा कोरोना की वजह से असेंबली अब डेली नहीं होती। ये पीछे ग्राउंड है, स्टेज है और इस वक्त जो है वो 9th 10th का एग्जाम चल रहा है। हमारे साथ अमजद साहब हैं और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब भी हैं। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। हम इसी स्कूल के तालिब इल्म है, 1999 के बाद अब तक कर लगाया है सर, हमें पढ़ाते थे 6th क्लास में। आप सर ठीक है? कैसा चल रहा है स्कूल? बेहतरीन जबरदस्त जा रहा है जी। चले माशाल्लाह अच्छी बात है। आप सर पढ़ाते भी हैं किसी क्लास को? जी जी मैं केमिस्ट्री और बायो पढ़ाता हूं। अच्छा केमिस्ट्री और बायो पढ़ा रहे हैं। चले सर माशाल्लाह अच्छी बात है। पुराने साथियों में से मेरा ख्याल है हमारे अमजद साहब ही रह गए, बाकी तो तकरीबन सारे इधर उधर हो गए। बस अभी चले गए, काफी सारे फौत हो गए। जी जी सर अब्दुल खालिक साहब होते थे, उर्दू के गुलाम हुसैन साहब होते थे, रफीक अनवर साहब भी फौत, रफीक अनवर साहब, अब्दुल हरीम साहब फौत हो गए, करीम उर ताहिर साहब फौत हो गए। काफी चेंजेस आ गई आपके जमाने में, तो ये चीजें नहीं होंगी। जी जी बिल्कुल, ये हमारा प्राइमरी विंग जो है हमने इसको अपग्रेड किया। जी जी ये बाद में बना है, बिल्कुल प्राइमरी विंग ये भी बाद में बना है। ये काफी सारी चीजें, ये स्टेज वगैरह नहीं होता था इस तरह, मतलब सिंपल एक स्टेज था। ये अब चिलर प्लांट है, उस वक्त तो खाली वो नलका वगैरह लगा होता, हैंड पंप लगे होते, नलके थे और टूटियां थी। हाँ जी अब ये चिलर प्लांट लगा हुआ है।
चिलर प्लांट से सारे स्कूल में पानी सप्लाई होता है या सिर्फ यहीं से ठंडा पानी है यहाँ पर बकायदा चिलर प्लांट लगा हुआ है। जी जी चलें, ये अच्छी बात है, ये तो स्टूडेंट्स को आपने एक फैसिलिटी दी है। इस वक्त नाम मैं प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त स्कूल के जो मौजूदा प्रिंसिपल है वो सरवर साहब है। सर क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? चले सर, माशाल्लाह आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, हमारा स्कूल है और यहाँ के बड़ा अच्छा लगता है। सर आप कब से यहाँ पे स्कूल में हैं? मैं 25 मई 2017 से यहाँ प्रिंसिपल हूँ। 2017 से? जी। अच्छा, पहले मैंने सर्व किया है एक नंबर स्कूल में, 3 साल एज ए प्रिंसिपल, 1 साल बावलपुर में किया है। अच्छा, तो माशाल्लाह आप स्कूल जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। चले सर माशाल्लाह अच्छी बात। इस साल हमने फुटबॉल चैम्पियनशिप भी जीती है आल पाकिस्तान, उससे पिछले 2 साल हमने एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीती है। अच्छा, तो मेरी आप लोगों से जो भी सबका स्टूडेंट हैं कि वो आप गेट टुगेदर करें। जी जी, तो हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़ी अच्छी हाँ जी एक इस साल भी हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट जो निस्तर में जी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। जी जी, और भी हैं, उनको तो हमारे साथ रब्ता नहीं है, वो बच्चा मिठाई लेकर परसों आया हुआ था इसलिए हमें पता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो यहाँ का यहीं का होगा ना इसलिए, वरना अदरवाइज सर स्कूल के तो बहुत से तलबा तालबात बहुत सारे स्कूल कॉलेज और प्रोफेशनल इदारों में तालीम हासिल करके अब तो ऊंचे अहदों पर पहुँच चुके हैं। जी जी, चलें सर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी भी आपसे मिलकर। बड़ी खुशी आप आए जी सर। जी सर, हाँ जी, क्या बस ठीक सर, आप बताएं। दुआएं प्रिंसिपल साहब ने हमें बताया कि ये पिछले साल 2 साल पहले कराटे में भी पोजीशन लेकर आए हैं और उसके अलावा जो है वो फुटबॉल में भी स्कूल ने पोजीशन हासिल किया है। ये तलबा का एक ग्रुप फोटो है। ये सर जो ट्रॉफीज है ये स्कूल वालों ने जीती हुई, ये वो है और ज्यादातर इसमें फुटबॉल नजर आ रहा है। फुटबॉल प्रोमिनेंट है ऑल पाकिस्तान फुटबॉल। किस जगह सर, किस टीम को हरा के जीते थे? खिड़की से स्कूल का बैक गेट भी आप देख सकते हैं। ये क्लर्क ऑफिस है, अच्छा आसिफ साहब है स्कूल के हेड क्लर्क और भाई भी इंतजार हुसैन साहब हैं। स्कूल के जो सारे इंतजामी मामलात हैं यही लोग डील करते हैं। अच्छा आप टीचर हैं सर, आप टीचर हैं? मैं भी वैसे हेल्प करता हूं साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है जो आप कर रहे हैं। चले सर माशाल्लाह। पर बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त जो स्कूल है वो 2 शिफ्टों में चलता है और सेकंड शिफ्ट के लिए प्रिंसिपल साहब भी अलग हैं, सेकंड शिफ्ट की पूरी टीम अलग है। अच्छा, इस स्कूल में अब एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रेप क्लास भी शुरू कर दी गई है और ये प्रेप के बच्चे भी बैठे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे टाइम में तो ये बिल्कुल सिस्टम नहीं था ये। अच्छा, ये प्रेप के सर कितने वो है एंट्री है बच्चों की? 20 बच्चे हैं। अच्छा, और ये पहला सेशन है इनका, पहला सेशन। कमरे बन रहे हैं ना, फिर जब प्रॉपर रूम बन गया। ये आप क्या दिखा रहे थे, ये लाइब्रेरी है? ये लाइब्रेरी, अच्छा हमारी लाइब्रेरी है। अच्छा, बेसिकली ये लाइब्रेरी है जिसको अभी प्रेप क्लास में कन्वर्ट किया गया है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि लाइब्रेरी है, लेकिन इस वक्त ये प्रेप क्लास का काम सर अंजाम दे रही है। ये साइंस लेबॉर्टरी है जहाँ पर हम मुख्तलिफ तजर्बात किया करते थे और इम्तिहान वगैरह भी होते हैं सर यहाँ पर, इम्तिहान भी होते हैं। तो ये 9th-10th के लिए मेरा ख्याल है बेसिकली यूज़ होती है। जी जी सर, ये सर सामने ये जो झूले वगैरह लगा दिए हैं ये इसका क्या मकसद है? ये मतलब ये अच्छा छोटी क्लासेस के लिए। तो ये सर किस टाइम ब्रेक किस टाइम होती है? 10:50 पे ब्रेक होती है और कितनी देर तक? 20 मिनट। जी जी, अच्छा सर ये दरमियान में मेरा ख्याल है यहाँ पर रस्ते हुआ करते थे, एक बंद हो गया भाई, एक ही कर दिया ना। अच्छा, ये रास्ता एक कर दिया, ये दरमियान में रस्ते थे और दरख्त भी ज्यादा थे। हाँ, वो दरख्त पे थे काफी आता। जी जी जी, ये इधर भी पीछे खेलने के लिए जगह इस्तेमाल होती थी और ये दीवारें भी सर छोटी थी मेरा ख्याल है और ये तारे सारे नहीं थी ऊपर। जी जी, गद्दी का हुआ ना। जी जी, उस वजह से ये वो कबर है जो पीछे होती है। जी जी, ये कबर की सर हिस्ट्री क्या थी? भला ये कुछ पुराना था। अच्छा, पुराने कोई बुजुर्ग की कबर थी जो पीछे मौजूद थी, अभी भी ये मौजूद है। ये जो ईंटें लगाकर इसको कवर किया गया है और पीछे साइकिल स्टैंड है। ये साइकिल स्टैंड भी सर पहले यहाँ नहीं होता था? नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा,
आए अब सर की क्लास में ही चलते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि ये अभी चाक कल्चर अभी भी चल रहा है, इसको व्हाइट बोर्ड में नहीं कन्वर्ट करते। सामने ये डबल स्टोरी ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये वो ब्लॉक है जिसके अंदर हम 10th क्लास में जब आए थे तो इन सेक्शंस में हुआ करते थे। इन दरख्तों के नीचे बैठकर हम भी इम्तिहान दिया करते थे और उसके बाद फिर हम पीछे ग्राउंड में मौजूद कैंटीन जो इस सम्प में होती थी वहाँ पर जाते थे और रिलैक्स हुआ करते थे। और बिल्कुल सामने ये जो इस स्लाइड के पीछे आप कमरा देख रहे हैं हमारा 10th का सेक्शन था, ये वो आखिरी क्लास थी जो हमने यहाँ पढ़ी और उसके बाद फिर हम इस स्कूल को अल्लाह हाफिज़ कह गए थे। और कुछ हमारे दोस्त थे वो इसके साथ पीछे वाले सेक्शन में होते थे। अब ये पूरा ब्लॉक 9th-10th का ब्लॉक बन गया है। 9th क्लास हमने दूसरी साइड पर पढ़ी थी, इस वक्त ये इम्तहान चल रहा है यहाँ पर। हमने अपनी 9th क्लास इस तरफ पढ़ी थी, अब ये दूसरे सेक्शन है यहाँ पर। दोस्तों ये वो गेट है जो आउट गेट के तौर पे भी इस्तेमाल होता था और इन गेट के तौर पे भी, ये स्कूल का वो गेट है। इसके साथ ही ये कैंटीन है जो इस वक्त बंद हो चुकी है और अब नई कैंटीन स्कूल के पिछले हिस्से में बन चुकी है, लेकिन हम लोग इसी कैंटीन को यूज़ किया करते थे क्योंकि उस वक्त यही एक कमरा था जो कैंटीन के तौर पर यूज़ होता था। और ये देखिए ये सामने ग्राउंड है जो मुख्तलिफ खेलों के लिए इस्तेमाल होती थी और अब भी इस्तेमाल होती है। इस तरफ जूनियर सेक्शन बनाया गया है, ये भी पहले नहीं हुआ करता था। सामने फुटबॉल बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, ये सामने स्टेज है, ये असेंबली के लिए यूज़ होता था, यहाँ पर बच्चे खड़े होकर मिली नफ़े पढ़ा करते थे। इसके बिल्कुल बैकग्राउंड में एक वाटर चिलर प्लांट गया गया है और ठंडे पानी की सहूलत है तमाम स्कूल के बच्चों के लिए। इस तरफ एक लॉन है जो पहले भी मौजूद थी, अभी भी मौजूद है। उस तरफ अकेडमिक ब्लॉक है। दोस्तों चूँकि बहार का मौसम है, इस एक लॉन के अंदर बड़े खूबसूरत फूल भी खिले हुए हैं और ये स्कूल में सफाई सुथराई का मेयार भी बेहतर दिखाई दे रहा है।